ओ मैम आई है, बताओ भाई। 80,000 पूरा लगा दिया तो मजा आ जाएगा। ओ भाई ये गाड़ी सच में बहुत महंगी है क्या? हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल की हाल चाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से खेलने वाले हैं कार फोर सीट सिमुलेटर। तो व्हेन आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास कल मैंने कमा लिए थे 2 लाख से ऊपर ही पैसा कमा लिया था। तो मैंने कल भाई मैंने टारगेट रखा था, ऐसे नहीं खेला था कि मजे मजे में नहीं, मैंने टारगेट बनाया था दिमाग में कि मेरे पास 64,000 थे, 64,000 से मैंने 2 लाख बनाए थे, 2,50,000 तक मैंने कल पैसा बनाया था, डॉलर्स कमाए थे। और आज मेरा टारगेट है 5 लाख तक जाना, मतलब कि डबल जो मैंने टारगेट बनाया था उससे डबल लगाने वाला हूँ मैं। आज हम लोग 5 लाख डॉलर्स कमा पाते हैं तो आज का चैलेंज बहुत ही खतरनाक होने वाला है। जिसने भी जाके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स करके आप लोग चैलेंज दे सकते हो कि आज हम लोग क्या करें, क्या इस गेम में चैलेंज कर सकते हैं। आप लोग कमेंट्स करके मुझे चैलेंज दे सकते हो। वैन आज का चैलेंज है कि आज हमको 5 लाख डॉलर्स कमाने हैं और देखते हैं कैसे कमाते हैं। आप लोग देख सकते हो कि मेरी शॉप पे इस टाइम थोड़ी सूखी सॉक, क्योंकि भाई इस टाइम हमारे पास थोड़ा पैसे की कमी है, पर हमारे पास धीरे 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 बस 2-3 वीडियो में हमारे पास मिलियंस में पैसा आने वाला, देखते रहो तुम। तो सबसे पहले हमारी ये देख लो शॉप है, इस टाइम मुझे जाना है। सबसे पहले आज कितना टाइम हुआ, 5 बज गए रात के, 5 तो बज ही गए, तो सुबह होने ही देते हैं, मंडे है आज। वैन मंडे को कार मार्केट तो ओपन होगा। वैन सबसे पहले तो हम लोग स्लीप करते हैं और कार ऑक्शन सबसे ज्यादा पैसा बनाने का जो हमें मौका मिलेगा वो मिलेगा कार ऑक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग स्लीप कर, सुबह हो गई है, कार ऑक्शन विल बी ओपन एट 11 AM। ओके 11 बजे कार ऑक्शन ओपन होगा, तो हम लोग वेट करते हैं तब तक के लिए। ओके बंदे बैठ गए हैं भाई, मेरा टाइम आ गया है, चल भाई। और $300 की भाई टिकट दे रहा है इस, ये कलुए की अच्छी खासी कमाई हो रही है। ओके बात, ओके यहाँ पे मैं बैठने वाला हूँ। ऑल राइट गाइस, 6 5 4 3 2 1 कार ऑक्शन ओपन। ओके गाइस ध्यान लगाते हैं कौन सी गाड़ी आ रही है। ओ ना भाई, हमारे मन की गाड़ी नहीं आई है तो इसको हम लेने नहीं वाले हैं। ओके लो भाई, जिसने भी लेनी है जल्दी लो यार, गाड़ी लेना चाहूं तो मैं ले लूं, बट मुझे कोई फायदा नहीं है उसमें यार। मुझे 5 लाख आज पूरे करने हैं अपने डॉलर्स को, तो मुझे सस्ती गाड़ी नहीं लेनी है, बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि मैं कभी मजे मजे में ले लेता हूं गाड़ी कभी। भाई ले लो यार, भाई पैसे से तुम्हारा दिमाग बदल जाता है 2 मिनट में। ये तो ये कौन सी गाड़ी आई है, ये जीप है क्या? 4 भाई ये वाली नई गाड़ी है, इसको तो ट्राई बनता है अगर मैं इसको, हाँ इसका जो ट्राई बनता है, ये न्यू कार है, इसको मैं लेना चाहूंगा, बट ये कितने में? ओ ये भाई ये ले सकता हूँ कार में अगर चाहूँ, क्योंकि ये गाड़ी महंगे में जाएगी पक्की बात है, तो मैं भी इस पे बिट लगाऊंगा। चलो लगाते हैं, आ जाए बस 2 मिनट, लास्ट में लगाऊंगा, बिल्कुल लास्ट में। ओके ओके ये लगा दी भाई, ए बिट लग जाओ, लग गई बिट लग गई है, हमारी पास गाड़ी आ गई है। हाँ भाई गाड़ी आ गई हमारे पास। ओ ये तो गाड़ी अभी देख के आया था यार मैं, ये गाड़ी मेरे हिसाब से जाएगी 34,000 या 35,000 तक ये गाड़ी जाएगी। देख लो 18 से चालू हो गई है गाड़ी, 18 के बाद ये शायद 25 तक जाए या 20-30 तक जाए, अब पता नहीं कितने में जाएगी, बट ये वाली गाड़ी महंगी गई है 41,000 पे, बट मेरे हिसाब से ये 41,000 की गाड़ी है, तो ये बिकेगी भी 80,000 की, मिल जाएगा पैसा हमको। लो जल्दी लो यार ये गाड़ी जिसने लेनी है, तो भाई वो भी बिक गई गाड़ी। ओ फिर बेकार यार, एक गाड़ी अच्छी ढंग की मिली है, वो भी मिली है बस, और सब चूठिया गाड़ी मिली है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, क्योंकि यार ये फिर से वही गाड़ी आ गई जो पहले आई थी। ऑल राइट गाइज, कार ऑक्शन इज कंप्लीटेड, तो हमारा ये कार ऑक्शन बंद हो गया है। तो आज के डे में अच्छी खासी गाड़ी मुझे नहीं मिली, बट ओ वाओ एक गाड़ी मिली है भाई, ये कौन सी फोर्ड, अरे भाई साहब क्या नेक्स्ट लेवल गाड़ी है यार, ये तो बहुत भारी भरकम है यार। ओ वाओ पीछे टायर भी लगा है यार। भाई ये गाड़ी मुझे 41,000 में मिली है, तो ये मुझे जानी चाहिए 80,000 में, बट ये गाड़ी यार मुझे आ गई है पसंद। ये बिल्कुल थार वाली फीलिंग दे रही है, जो बिल्कुल भारी भरकम गाड़ी होती है इंडियन, तो ये मुझे वैसी लग रही है यार। इसको मैं बेचना नहीं चाहता, बट बेचनी पड़ेगी। अंदर का इंटीरियर देख सकते हो, वाओ भाई ये मुझे, इसके टायर देखो कितने खतरनाक है यार, भाई टायर कितने अच्छे खासे मोटे मोटे टायर पड़े हैं इस गाड़ी में, और अंदर का इंटीरियर देख सकते हो आप। ओ वाओ नेक्स्ट लेवल है गाड़ी, ऊपर से छत बंद होती है कि नहीं? चलो कोई ना, इस गाड़ी का डर्ट लेवल मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस गाड़ी, ये गाड़ी मैंने ऑक्शन से ली है, तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर एक बार रुक जाओ चेक करने के, देख सकते हो आप डैमेज 0 है, डर्ट भी 0 है, और फ्यूल 85% है, फुल है, बिल्कुल काम कंप्लीट है अपना। जाके गाड़ी को बस हमको सेल पे लगाना है, या फिर इसका कलर वगैरह चेंज करेंगे। ओके निकलते हैं इस गाड़ी को लेकर। ओ वाओ
भाई साहब क्या लग रही है यार, क्या नेक्स्ट लेवल कार है यार, ब्लैक कलर की। भाई मुझे तो ब्लैक कलर नेक्स्ट लेवल लगता है, और ये भी नेक्स्ट लेवल ही लग रही है यार, मान गए भाई। भाई निकलते हैं इस गाड़ी को लेकर, बट इस गाड़ी भाई बहुत महंगी गाड़ी है और मस्त गाड़ी लग रही है यार, इंडियन फील में गाड़ी है, मस्त लग रही है। और ये गाड़ी भाई हमारे हमारे सही है, हमारे चलाने चलाने में सही लग रही है। और इसको अगर हम लोग ऐसे ही कार मार्केट घूमने के लिए रखें तब भी मेरे हिसाब से ये गाड़ी ज़्यादा सही लगेगी, और ये गाड़ी दिखने में भी अच्छी लग रही है, क्योंकि मुझे बंद बंद गाड़ी थोड़ी अच्छी नहीं लगती है, खुली जैसे ऊपर देखो छत खुली है, गाड़ी सही लग रही है, और ये गाड़ी नेक्स्ट लेवल लग रही है। और हम लोग आ गए हैं, ओके तो हम लोग विलेज में आ गए हैं, चलो कोई ना विलेज के सामने से निकलते हैं इस गाड़ी को लेकर। वाओ भाई स्पीड देखो, अब तुम देख लो भाई ऐसी, भाई विलेज में मैं एक बार कहना दूं कि भाई ऐसी गाड़ी लेकर आओ हिम्मत है तो भाई ये गाड़ी बहुत बहुत रेयर मिलती है कार ऑक्शन में, मुझे मिली है, और ये गाड़ी मुझे पहली बार मिली है और नेक्स्ट लेवल मिली है। चलो भाई गैस स्टेशन में हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है, तो हमको गैस स्टेशन की कोई जरूरत नहीं है अभी के लिए, तो निकलते हैं इस गाड़ी को लेकर। ओके ये है ग्रिफिन पब, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, पर निकलते हैं भाई। अभी तक थर्सडे ही है, तो तभी कार मार्केट अभी अपनी ओपन नहीं है, तो अब भाई रात होने वाली है, तो घर भी हम लोग आ ही गए हैं, तो गाड़ी को सेल लगाएंगे, तो हम लोग जाके सोते हैं सीधा। ओके नेक्स्ट लेवल, इस गाड़ी का कलर चेंज किया जाए क्या? ओ भाई क्या ड्रिफ्ट मार रही है। तो भाई इस गाड़ी का कलर चेंज किया जाए, ब्लैक कलर में गाड़ी है, कलर चेंज होना तो नहीं चाहिए, बस ब्लैक कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस गाड़ी पे, बट एक बार ट्राई तो करते हैं, क्योंकि हमको ऑक्शन में ब्लैक की मिली है तो बेचने में मजा नहीं आएगा, वरना हमारा कलर नेक्स्ट लेवल अलग रखते हैं, तो अलग कलर में बेचेंगे इस गाड़ी को। सबसे पहले तो भाई इसको करवाते हैं पेंट। ओके पेंट में कौन सा कलर ज्यादा सही रहेगा? ओके भाई रेड कलर अच्छा, ओ रेड भी अच्छा लग रहा है। रूबीकॉन है क्या ये? ये रूबीकॉन है क्या? सर एक बार कमेंट्स करके बताना यार, रात हो गई है यार। भाई ये ग्रीन भी अच्छी लग रही है यार, तो भाई इसको मैं ग्रीन रखने वाला हूँ, मैंने ग्रीन रख दिया इसको, और व्हील ट्यूनिंग में चलते हैं सबसे पहले। और इसमें हम लोग 1 2 3 4 5 6 व्हील ट्यूनिंग भी कर सकते हैं, व्हील ट्यूनिंग का कलर भी चेंज करवा सकता हूँ अगर मैं अपने हिसाब से चाहूँ तो, व्हाइट भी रख सकता हूँ, व्हाइट रख दूँ क्या? भाई व्हाइट कलर अच्छा लग रहा है क्या, क्या मस्त लग रहा है। एक बार रुको, गोल्डन कलर, पर ग्रीन पे गोल्डन नहीं मस्त लगेगा, ग्रीन पे यार ब्लैक अच्छा लगेगा या फिर व्हाइट अच्छा लगेगा, दोनों में से एक अच्छे लगेगा। तो भाई हम लोग इसको क्या रखें, व्हाइट रखें कि ब्लैक रखें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो ब्लैक व्हाइट रखा है हम लोगों ने, ठीक ओके तो बाय करते हैं भाई। मैंने तो व्हाइट रखा था यार, ओ भैंस की टांग, मैंने तो उसको बाय कर लिया, अब इसके बाद इसको पेंट भी तो करवाना है यार, पेंट के 2000 चले गए। ओके ओके तो हमारी हमने उस व्हील्स को भी बदलवा दिया था और पेंट के 4-5 हज़ार तो इस गाड़ी में मैंने ऐसे फूक दिया है। नेक्स्ट लेवल भाई, व्हाइट व्हील अच्छे लग रहे हैं, आप लोग कमेंट्स करके बताना, या फिर इसको ब्लैक किया जाए, बट मुझे व्हाइट अच्छे लग रहे हैं। ओके निकलते हैं इस गाड़ी को लेकर। ओके ओ भाई लग तो अच्छे रहे हैं भाई व्हाइट भाई व्हाइट अच्छे लग रहे हैं मेरे को तो भाई। अभी रुक जाओ, अभी हम लोग स्लीप करते हैं, अब सुबह होने देते हैं, फिर हम लोग इस गाड़ी को चेक करेंगे, अभी रात को इतनी अच्छी नहीं दिख रही होगी आपको। ओ ओ बस बस यहाँ पे मुझे इस गाड़ी को लगाना है बेचने के लिए। भाई बहुत भारी भरकम गाड़ी है, मुझे शोरूम को बड़ा करना पड़ेगा, जिससे कि ऐसी वैसी गाड़ी बहुत ज़्यादा आ जाए, वरना इसमें 2-3 गाड़ी आएंगी ऐसी वाली। तो इंजन आप सबसे पहले इसको चलते हैं स्लीप करने और सुबह आते हैं। वेलकम बैक सिद्धू मोटर्स। तो भाई आप लोग देख सकते हो अब सुबह कितनी मस्त लग रही है गाड़ी है, बट भाई ये व्हाइट व्हील्स अच्छे लग रहे हैं, आप लोग कमेंट्स करके बताना। बट मुझे अगर भाई मैं अगर रात की बात करूं तो रात में तो बहुत अच्छे लग रहे थे, बट सुबह की बात करूं तो सुबह इतने अच्छे नहीं लग रहे ये जो व्हील है व्हाइट कलर के, बट मुझे ब्लैक कलर के व्हील ज्यादा अच्छे लगते हैं। बट चलो हमको तो बेचना है इस गाड़ी को, अगली बार खरीद लाएंगे, अपने हिसाब से इसको करेंगे पेंट वगैरह जो भी करना है। कार लिस्ट में चलता हूं, और भाई 41,000 की गाड़ी है, तो इसको लगाने वाला हूं मैं सीधा डबल 80,000 में ले जाओ तो ले जाओ, लगा दिए हैं। तो अब इसको सेल में लगाते हैं, अब देखते हैं कौन आता है जो 80,000 में लेता है। राइट गाइस, एक कस्टमर आया है। कस्टमर जी, ओ मैम आई है, बताओ भाई 80,000 पूरा लगा दिए तो मजा आ जाएगा। ओ भाई इस गाड़ी 80,000 में पूरी की पूरी जा रही है, ये गाड़ी सच में बहुत महंगी है क्या? मैंने इसमें पता नहीं यार, मैं इसको गाड़ी को लगाता हूँ अब 1,00,000 में, क्योंकि अब 80,000 तो लोग आराम से ले रहे हैं, तो 1,00,000 लेंगे अब देखना। भाई मैंने 1,00,000 लगा दिया ऑन सेल, तो अब देखते हैं कौन आता है 1,00,000 में। भाई साहब 80,000 में तो सब ले रहे हैं, तो ये ओ भाई एक बंदा नया आया है, आप कितने में दे रहे हो ये गाड़ी? ओ 89,000
नहीं भाई 89,000 नहीं बनने वाला। और मैम आप बताइए 80,000 चलिए आपको, आप तो रिफ्यूज हो जाइए। और सर आप 80,000 रिफ्यूज और 89,000 सर दे रहे हैं इनको। अगर मैं 1,00,000 रुक जाऊं दूसरा बंदा आ जाए शायद पता चले वो ज्यादा दे रहा हो। राइट गाइज एक बंदा और आया है, ओके ये आया है 89,000। चलो इसको हम लोग ऑफर देते हैं 1,00,000 का, देखते हैं 1,00,000 लेता है कि नहीं। 1,01 भाई 1,00,000 मैंने डाल दिया, अब देखते हैं ये लेता है कि नहीं। ओ भाई ले गया 1,00,000 में भाई, गाड़ी ले गया है हमारी फोर्ड रूबीकॉन थी, पता नहीं कौन सी थी ये, आप लोग कमेंट्स करके बताना। बट ये गाड़ी 1,00,000 में ले गया है जो हम लोगों ने गाड़ी 41,000 में ली थी। भाई साहब हमारे एक देख दो 244 थे और $296 296,000 भाई साहब 2,00,000 3,00,000 के बस पार आने वाले हैं, $4,000 और बचे हैं और आज मुझे 5,00,000 कमाने हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कार ऑक्शन, कार मार्केट तो अपनी ओपन है वो तो हमको बता रहा है, पर हम लोग जल्दी से सोते हैं और कार ऑक्शन में जाना है हमें। राइट गाइज वेलकम बैक, तो हमारे पास कार ऑक्शन 11 बजे ही ओपन होगा, तो चलो चलते हैं हम लोग अपने कार मार्केट में। सैटरडे है शायद बंद हो कार मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जब ऑक्शन ओपन होता है ना तो कार मार्केट बंद होती है, मुझे ऐसा लगता है जब ऑक्शन ओपन होता है, देखते हैं क्या होता है। ओ मैंने कहा था ना जब ऑक्शन ओपन होता है तो कार मार्केट क्लोज होती है, जब कार मार्केट क्लोज होती है तो मेरे हिसाब से ऑक्शन क्लोज होता होगा, पता नहीं यार। 50 सेकेंड्स बचे हैं तो जल्दी से मैं टिकट खरीदता हूँ। और ओ भाई यार बंदे खड़े क्यों हैं और सीट कहाँ पे है ये? अच्छा चलो ठीक है इंटरेक्ट करते हैं। ओके 30 सेकेंड्स बस हैं इनको कंप्लीट होने दो, फिर कार ऑक्शन अपना स्टार्ट होगा। और महंगी गाड़ी अगर आ गई चारों की चारों खरीद लूंगा अगर आ गई तो भाई कार ऑक्शन का। ओ भाई ये गाड़ी लूंगा मैं, ये गाड़ी महंगे में जाएगी पक्की बात। 13,000 14,000 ओके 14,000 जा रही है ये, ओके 15,000 गाड़ी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल अलग ही नेम की है। 15 13 अब ये गाड़ी को मैं खरीदूंगा, लास्ट मोमेंट पे इस गाड़ी को खरीदूंगा मैं, देखना तुम। लास्ट पे बिट लगा दिया मैंने, अब ये गाड़ी मेरे नाम जाएगी। ओके गाइस ये गाड़ी, एक गाड़ी नाम आ गई हमारे, आ खजाड़ा गाड़ी फिर से आ गई यार, ये कहां से आ जाती है यार गाड़ी। तो भाई ये कौन सी कार है यार, ना 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 ये भी सस्ती मत दी है, 5,000 से तो इसकी स्टार्टिंग हो रही है, ना 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 ये भी गाड़ी मैं नहीं लेने वाला, जो अगली गाड़ी आएगी वो लेंगे। तो भाई ये गाड़ी 6,000 में चली गई। ओ ओ भाई फिर से वही वाला ट्रक आ गया है, क्या नाम है इसका यार, कौन सा नाम इनका मैं भूल गया, फोर्ड, हाँ फोर्ड आ गया है फिर से। अब इसको मैं फिर से खरीदने वाला हूँ क्योंकि ये महंगे में जाता है ट्रक, ये तो मानता हूं मैं। ओके इसका बिट लगाते हैं भाई, ये 35,000 में फिर से चला गया है और इसको 1,00,000 में आराम से चला जाएगा ये भी मेरा। ओके क्या ये ट्रक, ओ मैंने लगा दिया बिट। ओके तो हमको मिल गए हैं भाई अच्छे खासे, दो गाड़ी मिल गई हमको अच्छी खासी और हमारा ऑक्शन कंप्लीट हो गया। और भाई साहब ये गाड़ी मुझे पता नहीं था क्या नाम है इसका, मुझे नहीं पता, बट ये गाड़ी नेक्स्ट लेवल अलग ही नाम की है, आप लोग देख सकते हो ऊपर सनरूफ दिया हुआ है गाड़ी के पीछे और देख सकते हो वेल 7 पता नहीं क्या नाम है इसका मुझे नहीं पता, बट ये गाड़ी मुझे सस्ते में मिल गई, अब देखते हैं जाती कितने में। और इस गाड़ी को मैंने, ये देखो भाई ये ट्रक है, ये ट्रक बहुत महंगा जाने वाला है हमारा, इसका डैमेज देख लूं भाई कितना डैमेज है। ओ डर कुछ नहीं है भाई, काम करने वाला ही नहीं इसमें। सबसे पहले तो इसको मैं चला के लेकर गया था पिछली बार, तो इसको टो ट्रक से भिजवाते हैं और इस गाड़ी को चला के लेके चलते हैं आज। वाओ ओ भाई इसकी मुंडी, हाँ सही है मुंडी, मैंने सोचा मुंडी बाहर जा रही है। ये गाड़ी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल अलग ही नेम की है और अंदर का इंटीरियर भी बिल्कुल सही है, बट ये भाई सस्ते में ना चली जाए बस मुझे इतना पता है, अगर गाड़ी यार गाड़ी महंगे में जानी चाहिए ये गाड़ी। ओके हम लोग आ गए हैं सिद्धू मोटर्स पे। ओ ओ ओ ओ भाई भाई बस 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 बस, क्या खतरनाक ड्रिफ्ट है यार। ओके 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 चलो भाई निकलो अंदर, तो इसका पेंट बदलवाते हैं सबसे पहले, इसका पेंट कौन सा रखा जाए, कौन सा पेंट ज्यादा सही रहेगा भाई, सियान सही लग रहा है ये वाला, ये ब्लू बस अच्छा लग रहा है। और व्हील इसको पेंट करवाते हैं और ट्यूनिंग में चलते हैं, ये भी सही लग रही है, थर्ड वाली सही लग रही, फोर्थ व्हील तो वही वाले सही लगे भाई, पेंट करके देख सकता हूँ अगर मैं इसको हटाऊं, पेंट में जा सकता हूँ, पेंट देख सकता हूँ व्हील्स के, हाँ भाई पेंट भी अच्छे नहीं है यार, भाई पेंट करने से भी मेरे हिसाब से गाड़ी की लुक बेकार जाएगी, व्हील्स में कौन पेंट करवाता है यार, व्हील्स ब्लैक अच्छे लगते हैं, हाँ ब्लैक अच्छे लगते हैं। चलो भाई गाड़ी देख लो आप लोग, ब्लू कलर की गाड़ी मैंने पेंट करवा दी है। ओके निकलते हैं इस गाड़ी के अंदर, ओके इसको मैं जल्दी से खड़ा करता हूँ। भाई इस गाड़ी में लेंथ अच्छी खासी है, गाड़ी लंबी बहुत है, शायद भले किसी बंदे का आंखें वगैरह खराब अच्छी हो तो वो लंबाई के चक्कर में ले ले गाड़ी, पता नहीं अब। ओके अब इसको सेल में लगाते हैं सबसे पहले इस गाड़ी को, मैं बेचने वाला हूँ
50,000 60,000 लगा देते हैं, चलो 60,000 पे गाड़ी लगा दी, अब देखते हैं 60,000 पे ये गाड़ी कौन लेता है, ले ले तो अच्छा बात है, निकलते। और इस गाड़ी का भी मैं रेट लगाने वाला हूँ, फ्रॉड फोर्ड का 46 के लिए ना, इसका सीधा लगाते हैं 1,00,000। $1,00,000 मैंने इस गाड़ी के लगा लिए हैं। तो भाई दोनों गाड़ी के मैंने पैसे लगा दिए हैं, बस एक तो सेल में लग गई है और एक को मैं सेल में लगाता हूँ। अब देखो मैम आ भी गई, ओके भाई ये गाड़ी मुझे लिटरली बहुत अच्छी लगी, अब तक की सबसे मस्त गाड़ी मुझे ये लगी है, क्योंकि इट इज़ अ भारी भरकम कार और मुझे अच्छी लगी है ये, और कुछ क्योंकि मुझे बड़ी कार्स और भारी भरकम बड़े बड़े टायर्स वाली कार मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। और उस भाई उस गाड़ी के टायर देख लो और इस गाड़ी के टायर देख लो, फर्क तुम्हें समझ आ जाएगा भाई। ओके तो भाई आप लोग देख सकते हो कि इधर भी कस्टमर। ओके तो ये गाड़ी मैंने लगाई थी कितने में लगाई थी यार गाड़ी में भूल गया, रुक जाओ एक बार चेक कर लूँ कितने में मैंने गाड़ी लगाई थी। ओके 60,000 में मैंने गाड़ी लगाई है, सर आप बताओ कितने लेकर आए हो। 33 अरे हटो भाई साहब 34 सही है, अभी मैम से पूछ लूँ, मैम ने सही दिया तो सही है। 34 के बाद ओ मैम 200 लाइए हो ज़्यादा, और ये ओ ये तो ज़्यादा लेकर आए हैं मैम आप निकले यहाँ से। भाई ये गाड़ी मेरी सस्ते में जा रही है यार, मैं तो सोच रहा था यार ओ भैंस की टांग ये तो बहुत सस्ते में, भाई मैं ये 5,00,000 कैसे कमाऊंगा अगर मैं यार इस हिसाब से गाड़ी बेचूंगा, बहुत सस्ते में गाड़ी जा रही है यार हमारी। चलो सर दे दो ले जाओ 40,000 ले जाओ, नहीं यार 40,000 में ही दे रहा है यार, 38,000 ले जाओ गाड़ी ले जाओ। ओ ले गया भाई 38,000 की ले गया, पर भाई सच बताऊं ये गाड़ी मैंने 19 की ली थी और 38 के बेच दिया, सही है बट प्रॉफिट बहुत, मतलब कि गाड़ी सस्ती ली थी तो सस्ती बिकनी थी, बट इस गाड़ी का मुझे नेम भी नहीं पता था तभी मेरे हिसाब से सस्ती थी गाड़ी। और ये मैम 84,000 सही है, रुक जाओ एक बार मैम सर इससे पूछ लूँ, 80,000 रुक जाओ मैम से एक बार डील करते हैं, 1,00,000 दे दो ले जाओ 1,00,000 भाई साहब 1,00,000 ले जाओ गाड़ी ले जाओ गाड़ी। ओ ले गई भाई 1,00,000 में गाड़ी ले गई, तो भाई मैंने भी तो 1,00,000 ही लगाया था, ले जाती 1,00,000 में। चलो भाई 1,00,000 में हमारी गाड़ी बिक गई है, तो हमारे पास पैसे हो गए 366, हम लोग अपने टारगेट के बहुत ही क्लोज हैं, बिल्कुल क्लोज, ओनली $1,50,000 और चाहिए बस, मेरे हिसाब से दो गाड़ी बेच दूंगा ना पूरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। और आज टाइम कितना हो गया है 11:15 हो गए हैं, तो आज संडे है कार मार्केट भी क्लोज है, तो जल्दी से हम लोग सोते हैं चल के कार ऑक्शन में चलेंगे सुबह फिर से। वेलकम बैक सिद्धू मोटर्स, तो हम लोग निकलते हैं कार मार्केट इज ओपन। ओके कार ऑक्शन स्टार्ट। ओ भाई ये ट्रक आया, ये ट्रक कितने में जा रहा है, 38 से इसकी स्टार्टिंग हो रही है, इसका मतलब कि ये ट्रक महंगा जाएगा, तो ये ट्रक खरीदना पड़ेगा मुझे, ये ट्रक खरीदूंगा क्योंकि ये महंगा जा रहा है। ओ लगा दिया भाई, ये ट्रक हमारा हो गया, मुझे पता है हो गया। ओके तो भाई ओ फर्स्ट कार अच्छी आती है, दूसरी फिट चूतिया दे देते हैं कार। अब इसको आधा घंटा देखो नूर, फाइनली कार बिक गई है, देखते हैं कौन सी ये कौन सी है यार, ना 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 इसकी तो स्टार्टिंग $3,000 से। तो भाई कार ऑक्शन में इतनी भद्दी भी कार आती है मुझे नहीं पता था। ओ ऑडी भाई ये गाड़ी लूंगा मैं, 64,000 से स्टार्टिंग है, ये कार लूंगा मैं भाई 75 भाई ए लगा दिया भाई, मैंने भी लगा दिया, ओ फिर से लगा दिया भाई ने, फिर से 80,000 ओ 81 फिर से लगा 83 ले फिर से ले 85 ए ए ओके हमें मिल गई है दो गाड़ी, एक कैंपर मिल गई है और एक मिल गई है ऑडी। ओ भाई साहब ये देख सकते हो कलुए हट साले कलुए। ओके ये देख सकते हो ये इतना हमारी कैंपर कार और ये है हमारी ऑडी, जो कि हम लोगों ने पिछले वाले गेम प्ले में भी भाई खरीद के बहुत महंगे में बेच दी थी भाई। ओ इस गाड़ी को मैं चला भी सकता, इस गाड़ी को मैंने पिछली बार चलाया था। ओ ये ऑडी है ना, बट अब तो इसकी मुंडी अंदर है, पहले बाहर आ गई थी, क्या बात है ये गाड़ी। चलो भाई इसको मैं बाहर निकलता हूँ, कुछ ट्राई करेंगे, इसको मैं टो ट्रक करके भिजवा दिया, सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं। ओके नो सर इसकी सब पूरा है इसका, बस कलर वगैरह थोड़ा बहुत चेंज करवाएंगे बस। ओके बैठते हैं। ओके गाइस दिस इज हमारी कैंपर जो पहली बार मैं चला रहा हूँ, बट वाइट कलर मुझे अच्छा लगता है बट बहुत कम लगता है, बट इसको लेके चलते हैं हम लोग अपने घर, अपने घर नहीं यार सिद्धू मोटर्स पे, हमारा घर ही है वो सिद्धू मोटर्स, वहीं पे सोते हैं वहीं पे रहते हैं हम, वही है। अंदर का इंटीरियर देख सकते हो गाड़ी का नेक्स्ट लेवल है, और निकलते हैं हम लोग इसको लेकर। मोटर्स में आ जाएगा ये ट्रक, पता नहीं आएगा कि नहीं यार,
पर आ जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आ जाए तो सही है, बट इसका कलर चेंज करवा लूं। बट इसकी ड्रिफ्ट, ओ भाई सब कैंपर भी ड्रिफ्ट मारती है, पता नहीं कौन सी कैंपर है ये। का पेंट चेंज करवाता हूं, जो कि इसका पेंट मुझे रखना है ग्रीन कलर का पेंट। हाँ भाई ये मुझे बिल्कुल सेट लगता है, ग्रीन कलर का। व्हील ट्यूनिंग करते हैं। ना भाई मुझे कलर कौन सा रखे, कलर भाई रखने में कोई मजा नहीं आता, क्योंकि भाई मुझे ब्लैक कलर ही ज्यादा सर अच्छे लगते हैं। ब्लैक सही है। ओके तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ सबसे पहले, इसको बैक करते हैं। ओके इसको जल्दी से लगाता हूँ मैं सेल में चल के। ये ट्रक मैंने लिया था 46,000 का फोर्ड FT150 लिया था। ओके तो इसको मैं 46 है तो 1,00,000 लगाता हूँ सीधा भाई, देखते कौन ले लेता, शायद ले ले। 10345 1,00,000 लगा दिया भाई। और इसका 85 था तो इसका मैं लगाने वाला हूँ 150। ओके आप जल्दी से, ओ बैंड की बस आराम से। ओके एंटर करते हैं, चल भाई। ओ भाई इसकी स्पीड बहुत अच्छी है यार इस कार की। यहाँ पे मैं इस गाड़ी को इंजन ऑफ निकलते हैं, इसको भी मैं सेल में लगाता हूँ। इसको चलो मैं यहीं से सेल में लगा देता हूँ। ओके कार लिस्ट यहाँ पे मुझे सेल में लगाना है। ओके सेल में लगा दिया। अब ये इसको मैं कितने लायो भाई, ये मैंने कैंपर 1,00,000 में लगाई है, देखते लेता कितना है। 96,000 तो ये 1,00,000 में आराम से ले लेगा बंदा, अगर मैं इसको 96 भी दे रहा हूँ। अगर मैं इसको दे दूं 1,20,000, रुको 1,20,000 ले लेगा। ओ ले गया भाई 1,20,000 में ले गया कैंपर। ओ ये तो 1,50,000 दे रहा है, तो इसको मैं ऑफर करता हूं 2,00,000। 2,00,000 ले लो, ले जाओ ट्रक को। 2,00,000 का, 2,00,000 की ये गाड़ी दे रहा हूं, ले जाओ। नहीं भाई 2,00,000 नहीं ले रहा, 2,00,000 नहीं तो सर कितने लोगे, 1,90,000, इससे ज्यादा नहीं भाई। नहीं ले रहे भाई 1,90,000 का भी नहीं ले रहे, तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा इसका ये वाला। 2,00,000 में मैंने अपनी ऑडी को लगा दिया, सबसे पहले तो इनको रिफ्यूज करता हूँ मैं भाई, मैंने सबको रिफ्यूज कर दिया। अगर भाई अगर इससे मैं 5,00,000 के बहुत करीब पहुंच जाऊंगा अपने टारगेट के। अब देखते हैं अपना टारगेट आज कंप्लीट होता है कि नहीं, बट मुझे लगता तो हो जाएगा इसी कार से। अब पता नहीं मैम कितने लाई हो, ऑफर देते हैं मैम को 1,90,000 का। 1,90,000 का ऑफर देता हूँ मैम को, लेना। ओ नो मैम नो, यार ऑफर नहीं ले रहे मैम। चलो सर बताइए कितने लाए। नहीं सर 1,00,000 इनको भी ऑफर देते हैं, 1,80,000 वाला लेते हैं। ओ नहीं ले रहे 1,70,000। 1,70,000 में तो ले जाएगा, 70,000 में तो ले जाएगा। ओ ले गया भाई फाइनली भाई 1,70,000 में अपनी ऑडी बिक गई है। जो ऑडी हमारी कितने में आई थी पता है, कितने में हमने ऑडी खरीदी थी यार, शायद 75,000 की ऑडी खरीदी थी और 1,70,000 की चली गई। तो हम लोगों ने अपना जो चैलेंज था, जो हम लोगों ने टारगेट बनाया था, वो कंप्लीट कर लिया है। $5,00,000 हमारे पास हो गए हैं, $5,22,000 हमारे पास हो गए हैं। हम लोग यहाँ पे थे और यहाँ पे आ गए हैं, रिच टू रिच बढ़ते जाएंगे, चिंता मत करो। मेहनत बहुत लग रही है पर काम भी हो रहा है, और देख सकते हो भाई 5,00,000 क्या टाइम था जब हमारे पास $5,000 थे, अब हमारे पास $5,00,000 है। और अगले वाले एपिसोड में आप लोग कमेंट्स करके बताना कि हम लोग क्या नया चैलेंज करें, तो वो वाला चैलेंज हम लोग जरूर ट्राई करेंगे। वैन अगले चैलेंज में मैं तो यही वाला चैलेंज रखने वाला हूँ, मुझे 10,00,000 तक पहुंचना है। अब मैं 5,00,000 तक पहुंच गया, मुझे 10,00,000 तक पहुंचना, अगले में 10,00,000 का लगाएंगे देखना तुम। और धीरे धीरे लैम्बो खड़ी होगी अपने इस वाले शोरूम पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।